हेलो फ्रेंड्स, सभी को आज का नया वीडियो में बहुत स्वागत है आप लोगों को। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी अपने लाइफ में बहुत ही बिजी है, अपने आप को टाइम दे नहीं पाते और बहुत ही स्ट्रेसफुल वाला माहौल रहता है। और मुश्किल से ही आपको वीकेंड एक या दो दिन की छुट्टी मिलता है वीक में। तो ये ब्लॉग मेरा पर्सनल होगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अपना लाइफ में स्ट्रेस होता है या फिर अपना को टाइम देना चाहता हूँ कुछ पल, एक सुनसान या फिर कुछ ऐसा अच्छा लोकेशन में जाता हूँ मैं। और वैसे आज संडे का दिन है तो ये जो कीमती वाला जो लेजर समय है इसको मैं टाइम निकल के वहाँ पे आज मैं जाने वाला हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही शॉर्ट बने। लास्ट टाइम वो जगह को लेके मेरा एक वीडियो भी बना था। सो फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा ना गंवाते हुए मैं आप लोगों को वो जगह ब्यूटीफुल जगह पे ले चलता हूँ जो कि बहुत ही नाइस प्लेस है। तो हम वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं वही स्पॉट पर। टिल देन आप बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं जगह पे पहुंच गया हूं यहां पे और मैं अभी ऊपर टॉप में खड़ा हूं साइन बोर्ड के सामने में। तो चलो नीचे जाके देखते हैं वहां का व्यू कैसा है। अभी बहुत समय का बाद, बहुत दिन का बाद आ रहा है। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर से यहाँ पे रिजॉर्ट पे पहुँच गया हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे। ना फ्रेंड्स है, लेकिन कुछ लोग बाहर से लोग आया हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा दिल जो मतलब बहुत ही फ्रेश हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया और जो डिप्रेशन था यहाँ पे आके बिल्कुल ही गायब हो गया। तो लेट्स आप लोगों को एक मज़ा वाला पानी का झरना में ले जाते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी बारिश का सीज़न है, झरना भी थोड़ा सा भरा हो गया तो देखने में बहुत मज़ा आएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पे रिजॉर्ट के किनार पे ही एक बहुत ही अच्छा बीच है। बीच ही कहा जाएगा, ऑब्वियसली छोटा सा बीच है। और यह मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर पारी रिवर है यहाँ का। तो मैं बता दूँ कि मैंने सोचा कि यहाँ से क्रॉस करूँ। जब पिछले बार मैं यहाँ पे जब आया था तो यहाँ से जो बाम्बू का लोकली जो तैयार किया गया था, यहाँ से बाम्बू क्रॉस था यहाँ पे। तो ये पानी जो है बहुत मतलब ऑब्वियसली रेनी सीजन का वजह से जो है पानी बहुत बड़ा होने का कारण जो है वो बम्बू ब्रिज को बहा के ले गया, टूट गया वो। तो यहाँ से क्रॉस करता है, फिर वहाँ पे एक पॉन्ड जैसा है वहाँ पे जमा होता है, फिर उसका वहाँ पे और एक झरना है, फिर वहाँ से उसका और एक ऊपर हट है जो वहाँ से जो व्यू जो है बहुत सुंदर लगता है। और कुछ लोग यहाँ पर आए और फिशिंग लाइन यहाँ पर लगाया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, यहाँ पे आप वीकेंड मना सकते हैं, स्पेशली फैमिली को लेके, अपना गर्लफ्रेंड को लेके स्पेशली। तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे आपका वीकेंड को बढ़िया तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हट वगैरह है, रूम वगैरह है और आप यहाँ पे आके सोने का भी प्रिविलेज है यहाँ पर।
यहाँ पे आएंगे तो आप खाना वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, और जो अरेंजमेंट है दैट इज़ वेरी वंडरफुल, और यहाँ का जो प्रिविलेज है, यहाँ का जो सिस्टम है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइजेशन। ओवर फ्रेंड, मैं बता दूं कि आज का ब्लॉग इतना ही था, कुछ ज़्यादा तो दिखाने के लिए नहीं था, बट मेरा जो फीलिंग्स था ये जगह को लेके, तो मैं यहाँ पे वक्त बिताने के लिए आ जाता हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस व्हेन यू गो टू सागाली फ्रॉम ट्रांजेक्शन जीरो एंड कैपिटल एंड सागाली ट्रांजेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से लेफ्ट डाइवर्ट होकर जब सागाली जाता है तो विद इन 10 to 15 किलोमीटर्स आप यहाँ में ये रिजॉर्ट मिल जाएगा। आप जो है यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि जब भी आपका वीकेंड होगा, जब आपका जो स्ट्रेस फील होगा, आप वीकेंड बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देयर इज़ अ रिवर, देयर इज़ अ रिजॉर्ट, देयर इज़ अ रेंटेड रूम एंड हट एंड फायरवुड इज़ अवेलेबल हियर, चेयर्स वगैरह, चार्जिंग पॉइंट, एवरीथिंग, किचन, यहाँ पे आपको कुक भी मिल जाएगा, कुक में भी मिल जाएगा, एवरीथिंग, यू कैन स्टे हियर एंड यू कैन एन्जॉय द प्लेस हियर, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल नेचर प्लेस। सो मैं लास्टली ये कहना चाहता हूँ कि दिस मैसेज फॉर दोस्त हु डोंट नो अबाउट दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस रिजॉर्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू कैन विजिट हियर एंड प्लीज़ कम विजिट एंड एक्सप्लोर अरुणाचल प्रदेश। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एक छोटा सा क्लिप था आज के लिए। सो वेल फ्रेंड, आप लोगों को दोबारा ब्लॉग में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप लोग बने रहिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने तक। जय हिंद, जय भारत।